दोस्तों, अगर आप लोग भी चाहते हैं एक्सेल में इंग्लिश नेम को हिंदी में ट्रांसलेट करना, तो मैं आज के वीडियो में इसी बारे में मैं बताने वाला हूं सभी को, किस तरह से एक्सेल में नेम को इंग्लिश नेम को हिंदी में ट्रांसलेट किया जाता है। मैं आपको सिर्फ एक ट्रिक बताऊंगा, फॉर्मूला शॉर्टकट, जिसकी मदद से आप बहुत सारे नेम को ट्रांसलेट कर सकते हैं हिंदी टू इंग्लिश या इंग्लिश टू हिंदी, चाहे जो भी लैंग्वेज में आप कर सकते हैं। सिर्फ आपको एक शॉर्टकट फार्मूला अप्लाई करना है। पहले मैं हिंदी नेम को कट कर देते हैं। कट करने के बाद इस तरह से आपको क्रोम में जाना है, और क्रोम में जाने के बाद ओपन करना है आपको, और कॉर्नर में आपको इस तरह से गूगल ऐप्स का ऑप्शन मिलेगा, और ओपन करने के बाद आपको स्क्रॉल करना है और शीट्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस तरह से आपको एक न्यू स्प्रेडशीट ओपन होगा। इस तरह से आपको इस पर प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस तरह से आपको एक्सेल का ही एक पेज मिलेगा। इस तरह से आपको इसी में आपका ट्रांसलेट होगा नेम। तो एक्सेल में जा कर के आपको इंग्लिश नेम को कंट्रोल सी से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद फिर आपको ये वाला एक्सेल स्प्रेडशीट में आपको सेलेक्ट करके सेल को कंट्रोल वी से पेस्ट कर देना है, इस तरह से इंग्लिश नेम को। और फिर आपको सेकंड वाले रो में आपको यहाँ पास थोड़ा सा एडजस्ट करना है, और यहाँ पास फार्मूला अप्लाई करना है इक्वल टू, जिस तरह से मैं फार्मूला अप्लाई कर रहा हूँ उस तरह से आपको सेम टू सेम फार्मूला अप्लाई करना है। तो इस तरह से आपको इक्वल टू गूगल ट्रांसलेट लिख लेना है, ओपन ब्रैकेट लिखना है, और टारगेट लैंग्वेज पहले वाले को कर लेना है इस तरह से, और फिर आपको कॉमा देना है, फिर यहाँ पास आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा देना है, फिर आपको इंग्लिश में है नेम तो यहाँ पास EN लिख लेते हैं, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा देना है, फिर से कॉमा देना है, फिर से डबल इन्वर्टेड कॉमा, फिर आपको करना है टेक्स्ट को हिंदी में तो हिंदी लिख लेते हैं यहाँ पास, डबल इन्वर्टेड कॉमा और क्लोज ब्रैकेट यहाँ पास लगा देना है, और आपको सिंपल इंटर प्रेस करना है बटन, सिर्फ आपको हिंदी में नेम हो जाएगा इस तरह से। फिर से आपको स्क्रॉल करके नीचे तक सेलेक्ट करना है हिंदी नेम को, तो सभी नेम इस तरह से जितना इंग्लिश नेम है सभी हिंदी में हो जाएगा इस तरह से। फिर आपको एक इसको सभी को सेलेक्ट करके हिंदी नेम को कंट्रोल सी से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद फिर आपको एक्सेल में जा कर के कंट्रोल वी से पेस्ट कर देना है जहाँ तक आपका हिंदी नेम है। तो सभी को सेलेक्ट करके आप चाहे तो इसे बड़ा साइज भी कर सकते हैं, कलर भी कर सकते हैं, बोल्ड भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप हिंदी नेम कर सकते हैं ट्रांसलेट इंग्लिश नेम को। तो आप बहुत सारे नेम को भी कर सकते हैं ट्रांसलेट हिंदी में, तो आप अपने दोस्तों को भी बताएं। अगर आप इस तरह के वीडियो को पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक कर लें।